शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिम जाति सहकारिता समिति के सामने खेत किसान आंदोलन कर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा गया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को उन्होंने किसान विरोधी सरकार कहा है और वादा खिलाफी वाली सरकार कहा है। इसी क्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष कुमरे और पूर्व विधायक मंगल सैन, जिला उपाध्यक्ष सूर्यकांत सोनी, पूर्व महिला आयोग सदस्य श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और प्रदर्शन किया गया है। हर सोसाइटी में धरना प्रदर्शन उरिया धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि किसानों को उरिया नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए हमारे जिले में 91 समिति जो है, हर समिति में आज किसानों का, बैतूल जिले का भी और हमारे शाहपुर मंडल का भी सोसाइटी के सामने हम पूरे किसानों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठे थे। यूरिया का मांग किया है, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहे हैं। जब से कमलनाथ की सरकार बना है तब से ना बिजली मिल रहे ना ये यूरिया मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जिन लोगों का खाते नहीं है सोसाइटी में, उन लोगों को भी एक बोरी नहीं मिल रहा है। पहले हमारे शिवराज जी का सरकार था तो उनको नगद में सोसाइटी से प्राइवेट दुकान से भी मिल जाता था, और आज जो लोग जमीन ठेका बटाई से लिया है और स्वयं का भी है, लेकिन उन्होंने अपने सोसाइटी में खाता नहीं खोला है, इनको यूरिया नहीं दे रहे, तो ये यूरिया का बड़ा संकट है और सरकार हमारे किसानों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे किसानों के साथ यहाँ पे धरना में बैठे हैं, और इसके साथ ही हमारे जितने भी किसान हैं वो चार चार पाँच पाँच दिन से परेशान हो रहे हैं, और लंबे कतारों के साथ हजारों आदमी, हजारों किसान कतारों में खड़े होते हैं, आठ आठ दस दस घंटे तक उनको दो दो बोरी देकर वापस कर दिया जा रहा है। किसी को 50 बोरी लग रहे, किसी को 25 लग रहे, 10 लग रहे, उनकी आवश्यकता पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना में बैठे थे, और आज ने किसानों के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक ज्ञापन भी SDM साहब को सौंपा है कि हमारे किसानों को भरपूर यूरिया मिलना चाहिए, और नहीं मिले तो हम जिले से लेकर प्रदेश तक के और धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ मुख्यमंत्री का तक पहुँचेंगे और वहाँ भी घेराव करेंगे। उनके साथ एक षड्यंत्र है, यूरिया की पर्याप्त मात्रा होने के बाद भी लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि ब्लैक में जाके वो यूरिया खरीदे। यदि यूरिया ब्लैक में मिल रहा है तो संस्थाओं में क्यों नहीं मिल रहा है? एक तो अधूरी कर्ज माफी ने किसानों को डिफाल्टर बना दिया, और संस्थाओं में 80% यूरिया ये कह के भेजा जा रहा है कि उन्हीं को दो जिनका जो डिफाल्टर नहीं हो, तो वो किसान कहाँ जाए? और आज जब सरकार हाईटेक खेती की बात कर रही है तो उसमें बड़ा सोचनीय है कि किसान यूरिया के लिए धरना प्रदर्शन करे तो खेती हाईटेक करेंगे कैसे? और जो शासन का जो सपना है या केंद्र सरकार जो मोदी जी का सपना कि 2022 में हम किसानों की आय दुगना करेंगे, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिदृश्य के कारण किसानों को पीछे धकेलने का प्रयास है। ना तो उनकी कर्ज माफी हुई है, ना टाइम पे बिजली दी जा रही है, और पूर्व में जो किसानों के हित में शिवराज जी की जो योजनाएं चल रही थी उसमें लगभग बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, जिससे आज किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ के या यूरिया के लिए लाइन लगा के धक्के खा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से कि जाग जाए अभी भी, और नहीं तो हमें फिर इसके बाद इससे और उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।